था मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, जिसमें लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था नोड्यूलेटेड रूट्स के बारे में, जिसमें एडवेंटेटियस रूट या फाइब्रस रूट या झाखड़ा जड़ के एक्सिस जो टिप है वो फूड को स्टोर करने के कारण नोड या गांठ जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल था मैंगो, जिंजर या आम आदि। अब हम लोग बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मेडिकल में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट फॉर सपोर्ट के नेचर से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रॉप रूट, जो सबसे महत्वपूर्ण वो है प्रॉप रूट। ध्यान देंगे, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉप रूट। ठीक है, ध्यान रखना है प्रॉप रूट के बारे में हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। तो प्रॉप रूट जो है ये सबने आपने देखा होगा बनियान में, बरगद में। बरगद का पेड़ काफी विशाल होता है, उसकी टहनियां काफी मोटी मजबूत और भारी होती है और काफी लंबी होती है। तो होता यह है कि जो मुख्य तना है, जो मुख्य इसका जो तना है स्टीम है, जिससे ब्रांचेस निकल रहे हैं और ब्रांचेस काफी दूर तक फैले रहते हैं, ठीक है, और ये ब्रांच इतने भारी हो जाते हैं कि इन्हें संभाल पाना मुश्किल होता है। हो सकता है कि अपने वजन के कारण ही ये नीचे टूटकर गिर जाए। तो इन परिस्थितियों में तने के ब्रांचेस के नोड से, गांठ से, कुछ तने से मिलती जुलती संरचनाएं विकसित होती हैं और यह वर्टिकल नीचे की ओर विकसित होते हुए ग्रेविटेशन की दिशा में विकसित होते हुए वापस सॉयल में चली जाती हैं और एक जड़ के रूप में कार्य करती है, पिलर जैसी संरचना बना लेती है। ठीक है, इस पिलर जैसी संरचना जो कि एक्चुअल में एक रूट है, उससे इस स्टीम को एक सपोर्ट मिलता है, मजबूती मिलती है, साथ ही साथ ये कंडक्शन का भी काम करता है, वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो इन रूट्स को ही, इन सपोर्टिव रूट्स को ही हम प्रॉप रूट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर इसे हम समझना चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, प्रॉप रूट इज बेसिकली डेवलप्स फॉर द सपोर्ट ऑफ ब्रांचेस, इट एक्ट लाइक अ पिलर विच गिव्स एक्स्ट्रा सपोर्ट टू ब्रांचेस, स्टीम्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, हिंदी में हम चाहे तो लिख सकते हैं प्रॉप रूट एडवेंटियस रूट का एक मॉडिफिकेशन है जो बरगद में मुख्य रूप से पाई जाती है और यह तने की शाखाओं को अतिरिक्त मजबूती या आधार प्रदान करती है, साथ ही साथ यह वाटर, जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण भी करती है, यह एक पिलर के समान कार्य करती है। तो बहुत ही सिंपल है और इसका एग्जांपल आप लोग को याद रखना है, सबने देखा होगा प्रॉप रूट का एग्जाम्पल बनियान ट्री। बनियान बरगद को कहते हैं, तो बनियान ट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉप रूट। नेक्स्ट वन इज क्लाइंबिंग रूट। तो हम लोग सपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला हम लोगों ने जाना प्रॉप रूट। ठीक है, ये है था प्रॉप रूट के बारे में। नेक्स्ट वन इज क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, तो कुछ पौधे जो जिसकी तने, जिसके स्टीम काफी सॉफ्ट होते हैं, जो नॉन वुडी होते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो ऊपर सीधा वृद्धि नहीं कर सकते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ सकते हैं, उनमें कुछ रूट्स में मॉडिफिकेशन होता है ताकि वो ऊपर की ओर चढ़ सके। तो तने में जहां जहां पर गांठें होंगी, जहां जहां पर नोड होगा, नोड से ऊपर की तरफ तो पत्तियां विकसित होंगी, लेकिन नीचे की तरफ जड़ें विकसित होंगी, नीचे की ओर जड़ें विकसित होंगी, और ये किसी भी आधार से जुड़कर, किसी भी बेस से जुड़कर पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं मनी प्लांट में या पान में, ये बहुत ही कॉमन है, इसी तरह का पाया जाता है, बहुत सारे लत्तर वाले पौधों में
इस तरह के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, और यह मॉडिफिकेशन स्टीम में भी होता है, लीफ में भी होता है। फिलहाल हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां रूट मॉडिफाइड होकर पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करता है, इसलिए इसे हम क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबिंग रूट, और बीटल, बीटल प्लांट। बीटल में भी, पान में भी, बीटल कहते हैं पान को, पान के पौधे में भी कुछ इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखिएगा इन सम क्लाइंबिंग प्लांट्स रूट्स आर डेवलप्स फ्रॉम ईच नोड ऑफ स्टीम एंड विद द हेल्प ऑफ एनी स्ट्रक्चर इट हेल्प्स टू क्लाइंब प्लांट अपवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, आप हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुछ नाजुक पौधों में ऊपर की ओर चढ़ने हेतु एडवेंटेटियस रूट में रूपांतरण होता है। ऐसे पौधों में तने के प्रत्येक गांठ से जड़ें विकसित होती हैं, जो किसी भी संरचना से जुड़कर पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। तो ये हम लोगों ने दो मॉडिफिकेशन यहाँ पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और मॉडिफिकेशन, जिसे स्टिल रूट कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, ये हम लोगों ने दूसरा पढ़ लिया है। अब हम लोग तीसरे की बात करें, वो है स्टिल रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इसके बारे में भी अब बात करेंगे। स्टिल रूट्स बहुत ही सिंपल है। स्टिल रूट्स अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टिल रूट्स के बारे में, स्टिल रूट आप सबने सुगर कैन देखा होगा, या फिर गन्ने के पौधे, मेज यानी मकई के पौधे को देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि पौधे में हम लोग इसमें एडवेंटेटियस रूट तो आसानी से पहचान पाते हैं। सपोज दिस वन इज सॉयल, तो तने के सबसे निचले गांठ से बहुत सारे एडवेंटेटियस रूट निकलते हैं, झाखड़ा जड़ें निकलती हैं जो पौधे को पकड़े रहती हैं। परंतु इसके अलावा भी सबसे निचले नोड से ऊपर एक और गांठ जो पाई जाती है, वहां से भी कुछ जड़ें निकलती हैं। ठीक है, वहां से भी कुछ जड़ें निकलती हैं और विकसित होकर वो भी मिट्टी को पकड़ती है, ताकि पौधे को अतिरिक्त मजबूती मिल सके। इन्हीं रूट्स को स्टिल्ट रूट कहते हैं। ठीक है, इन्हीं रूट्स को स्टिल्ट रूट कहते हैं। ठीक है, इसे आप फिर से समझ लें। ठीक है, लिख सकते हैं इन सम मोनोकॉटिलेडनस प्लांट सम एक्स्ट्रा फाइब्रस रूट्स आर डेवलप्स फ्रॉम द नोड्स नियर फ्रॉम सॉयल। दीज रूट्स ऑल्सो अटैच विद सॉयल एंड प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट टू प्लांट, एंड दीज मॉडिफाइड रूट्स आर नोन एज स्टिल्ट रूट। ठीक है, आप लिख सकते हैं कुछ एक दलपत्रीय पौधों में मिट्टी के समीप मौजूद गांठ से कुछ अतिरिक्त झाखड़ा जड़ें विकसित होती है, जो मिट्टी में जुड़कर पौधे को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है, और इन्हीं जड़ों को हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। और इसका उदाहरण है सुगर केन, केन यानी गन्ना, मेज यानी मक्का। इसमें आप ये आसानी से देख सकते हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं उन्होंने इसे देखा होगा। ये बहुत ही कॉमन मॉडिफिकेशन है एडवेंटेटियस रूट का। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस मेडिकल में पूछे गए हैं वो इसी टॉपिक से, इसी मॉडिफिकेशन से पूछे गए हैं, जिसे हम एपीफाइटिक रूट्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, एपीफाइटिक रूट। तो यहाँ हेडिंग देना है हमें एपीफाइटिक रूट। इनफैक्ट इसको आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहाँ पर एक साथ कई मॉडिफिकेशन को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा जान लें एक स्पेशल प्लांट के बारे में, ताकि हम लोग एक साथ कई मॉडिफिकेशन को पढ़ सकें, वो है ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड एक एरियल प्लांट है। ऑर्किड एक एरियल प्लांट है, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होता है, वहाँ पर किसी दूसरे वृक्ष के कहनी पर इसका बीज आकर जुड़ जाता है, इसे
सोयल की जरूरत नहीं होती है जर्मिनेट होने के लिए, और यहां पर यह विकसित होता है और इसकी जड़ें काफी मोटी होती हैं जो टहनी को हर तरफ से विकसित होती है और ये टहनी को पकड़े रहती है, कुछ इस तरीके से हवा में लटकी रहती है और ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑर्किड का पौधा होता है। इसका फ्लावर काफी खूबसूरत होता है। ठीक, आप चाहे तो देख सकते हैं, इसे हम एरियल प्लांट्स के रूप में भी जानते हैं। तो ये पौधा किसी भी वृक्ष के मोटी टहनी के शाखा पर विकसित हो जाता है और ये जड़ें वृक्ष की टहनी को मजबूती से पकड़े रहती है। तो ये जड़ का कार्य ही है एंकरिंग देना, तो ये सॉयल में एंकर नहीं कर रहा, ये टहनी को मजबूती से पकड़े हुए है, ध्यान रखना। और ये जड़ें हवा में, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, और ये हवा में मौजूद मॉइस्चर को, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है, एंकरिंग दे रहा है। साथ ही साथ ये वाटर वेपर को, यानी जो नमी है, जो जल के कण हवा में मौजूद है, उन्हें अवशोषित करता है। ठीक है, जिससे कि पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मिल पाए, और ऐसे ही रूट को एपीफाइटिक रूट कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। इसी का दूसरा नाम है, नोट कर ले, हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हवा से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। एपीफाइटिक रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे को हवा में बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए इसे एपीफाइटिक रूट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा था एक साथ हम लोग, क्लाइनिंग रूट भी कहते हैं इसे। क्लाइनिंग रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे को हवा में बनाए रखने में मदद करता है। तो हम लोग यहाँ पर एक ही मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं तीन नाम से, एपिफाइटिक रूट या क्लाइनिंग रूट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे को हवा में एंकरिंग देता है, ऊंचाई पर किसी सब्सटेंस से जुड़ने में, पौधे को मजबूती प्रदान करने में, आधार प्रदान करने में मदद करता है, इसलिए इसे एपिफाइटिक या क्लाइनिंग रूट कहते हैं। अब बात करें, यही रूट हवा से नमी अवशोषित करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ताकि पौधे में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सके, इसलिए इसको हाइग्रोस्कोपिक रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए, इसके लिए एक और टर्म्स है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसे एसिमिलेटरी रूट्स भी कहते हैं, या कह सकते हैं ये एसिमिलेटरी रूट का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी एक मॉडिफिकेशन है, हाइग्रोस्कोपिक भी मॉडिफिकेशन है, सबका एग्जाम्पल एक ही है, वो है ऑर्किड, ऑर्किड प्लांट्स, ध्यान रखना। ठीक है, इसे अभी मैंने कहा, इसे एसिमिलेटरी रूट्स भी कहते हैं। एक और नाम हम लोग नोट करें, हम लोगों ने तीन नाम लिखा है, एपिफाइटिक रूट यानी क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट भी कह रहे हैं इसे। ठीक है, साथ ही साथ हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कह रहे हैं क्योंकि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब आइए, एसिमिलेटरी रूट्स क्यों कहते हैं, इनके रूट्स में फोटोसिंथेसिस की क्षमता भी पाई जाती है, एक यूनिक कैरेक्टर हो गया। नॉर्मली रूट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, पर ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, इसलिए इसको एसिमिलेटरी रूट्स भी कहते हैं। तो ये एक साथ हम लोगों ने तीन मॉडिफिकेशन समझा, एपिफाइटिक क्योंकि ये एयर में प्लांट को किसी बेस के साथ अटैच होने में, वहाँ सपोर्ट करने में मदद करता है, इसलिए एपिफाइटिक रूट या क्लाइनिंग रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाटर में मौजूद वाटर वेपर मॉइस्चर, सॉरी, जो एयर में मौजूद वाटर वेपर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ताकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सके। चूँकि ये वाटर वेपर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक रूट, और इसमें फोटोसिंथेसिस की क्षमता भी पाई जाती है, इसलिए इसको एसिमिलेटरी रूट्स भी कहते हैं। तो हम लोगों ने एक ही एग्जांपल में तीन अलग अलग मॉडिफिकेशन को देखा है। तो ये था इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट। तो हम लोगों ने आज एडवेंटेटियस रूट का मॉडिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, रूट का टॉपिक यही